लास्ट टाइम में प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्जेंस टेस्ट सॉरी कंपैरिजन टेस्ट चल रहा था। कंपैरिजन में एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम दी गई है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर टू डी एक्स। ये निकल गया। इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी को चेक करना है। दिक्कत ये फिर यहाँ पर शुरुआत जीरो से इंफिनिटी है। अगर हम इस इंटीग्रल को देखें तो इस इंटीग्रल में अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है तो निश्चित तौर पर ये लिमिट ए ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो इसको दो हिस्से में ब्रेक करते हैं। एक जीरो से इंफिनिटी गया है तो हम इसको जीरो से लैम्डा और लैम्डा से इंफिनिटी मान लेते हैं। सोल्यूशन में लिखना, सोल्यूशन इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर टू डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन। केवल इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हमको कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है और हम जानते हैं हम इसको कंपैरिजन इंटीग्रल में ले जाना चाहते हैं। कंपैरिजन इंटीग्रल में जो आपकी लोअर लिमिट है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, इसलिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। जीरो से लेकर के लैम्डा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर टू डी एक्स पहला और फिर प्लस इंटीग्रेशन। पहले गया जीरो से लैम्डा, अब जाएंगे लैम्डा से इंफिनिटी। लैम्डा टू इंफिनिटी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। एक चीज इसमें गौर करो, अगर हम इस इंटीग्रल की बात करें तो जीरो रखने पर दैट इज ए की पावर फोर और ऊपर जीरो जीरो हो गया। लैम्डा रखने पर ये प्रॉपर बना है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिस पर ये इम्प्रॉपर हो। तो आज की तारीख में ये हमारा जो पहला इंटीग्रल टूटा है ये प्रॉपर हो चुका है। तो हमको केवल और केवल दूसरे को चेक करना है। अगर दूसरा कन्वर्जेंट है तो पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, दूसरा डाइवर्जेंट है तो पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। इसके नीचे ऐसे लिख देना, ये आपका है प्रॉपर प्रॉपर और ये आपका है इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो चेक हमको केवल और केवल करना है इम्प्रॉपर वाले को। बी चेक ओनली हम केवल और केवल चेक करेंगे इंटीग्रेशन लैम्डा से लेकर के इंफिनिटी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। हम केवल इतने हिस्से को ही चेक करेंगे। नोट कर, क्योंकि कंपैरिजन इंटीग्रल तैयार करना है इसलिए एफएक्स को हमको फिर से रीराइट करना पड़ेगा। लिखना, ये हमारे लिए एफएक्स का काम करेगा। दिस इज द एफएक्स, ये चलो लिखो इस। नाउ एफएक्स इज इक्वल टू, नाउ एफएक्स इज इक्वल टू, जो लिखा गया है उसी को सुधार करके लिख रहे हैं। ये फिलहाल तो लिखा गया है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन नीचे से पूरे में से एक्स स्क्वायर को कॉमन करो, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा ऊपर होल स्क्वायर में जाएगा बाहर आएगा एक्स टू दी पावर फोर। ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा बचा अपने पास, वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर टू और पावर फोर और ये एक्स की पावर थ्री कैंसिल आउट हुआ, यानी कि दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स ब्रैकेट के अंदर में 1 plus a square upon x square का whole square। और g of x हमको मिल चुका है, अगर हम बाहर देखें तो x की पावर 1 पड़ा है, हमारे लिए g of x होगा 1 upon x। नोट कर, take g of x is equal to 1 upon x, ये 1 upon x, ये पूरा हमने g of x ले लिया। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n tending to the infinity fx upon g of x is equal to limit n tending to the infinity
ये रहा एफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स यानी बटे वन अपॉन एक्स, तो कुल मिलाकर क्या आया वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और लिमिट अप्लाई करें तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी एन कह दिया एक्स होना चाहिए इसको, एक्स टेंडिंग टू द इन्फिनिटी पर ये लिमिट केवल और केवल आएगी वन, दैट डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल एफ एक्स की शुरुआत लैम्डा से इंफिनिटी, एफ एक्स फ्रॉम लैम्डा टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल फ्रॉम लैम्डा टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स यानी ये वन अपॉन एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स बोथ बिहेव अलाइक, बोथ बिहेव बोथ भी है एलाइव, इन दोनों ही इंटीग्रल का बर्ताव आपस में कैसा होगा एक जैसा होगा, बोथ भी है एलाइव, नोट कर लो। लेकिन अगर आप जी ऑफ एक्स की तरफ देखिए तो जी ऑफ एक्स लिखा गया है वन अपॉन एक्स यानी कि पावर वन है, वो वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन टाइप का है, और हमको पता है जो भी इंटीग्रल वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन टाइप के होते हैं उसमें एन ग्रेटर देन वन सॉरी एन इज इक्वल टू वन होने पर डाइवर्जेंसी आती है, लिखना इसी बात को। Since integral lambda to infinity g of x dx is equal to integral from lambda to infinity 1 upon x dx is dgt, ये आपका divergent है। This implies that integral lambda to infinity fx dx is also is also and hence और इसलिए अगर दूसरा हिस्सा जो हमने improper पाया था वो divergent हो गया तो main integral भी divergent हो गया, and hence main integral given integral आप लिख सकते हो main integral is divergent, इसलिए आपको दिया गया main integral भी कैसा होगा divergent होगा, note कर लीजिए। अगला इंटीग्रल लिया जाता है नेक्स्ट इंटीग्रल लेते हैं, दिया गया है प्रॉब्लम टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ टेस्ट द कन्वर्जेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल दिया गया है जीरो से इंफिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, दिक्कत फिर वही है वन अपॉन एक्स नजर आ रहा है मतलब हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं, खैर ई की पावर माइनस एक्स भी नजर आ रहा है, आप इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, हो सकता है आप एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स थ्रू आउट वन अपॉन एक्स पॉजिटिव बना रहे और उसके सॉरी जी ऑफ एक्स पॉजिटिव बना रहे और लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रहे, याद हो अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स less than or equal to g of x रहे और g of x throughout positive बना रहे अपने दिए गए interval a से लेकर के infinity तक में, तो ये test भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर क्योंकि e की power minus x sin x upon x का हिस्सा है, दिक्कत यह आई अगर आप comparison करने जा रहे तो पहले तो आपको ये zero हटाना पड़ेगा और कुछ भी कोई भी test लग सकता है इसलिए हम पहले zero को हटा रहे हैं।
लिखना सॉल्यूशन। सबसे पहला काम जीरो पॉइंट आना, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से, क्योंकि जीरो टू इंफिनिटी है इसलिए अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो हम इसको कहीं पर भी तोड़ सकते हैं। जीरो टू लैम्डा लेना चाहे लैम्डा, चलो पर्टिकुलर लेते हैं, अगर जीरो टू वन पर तोड़ देते हैं तो ये होगा जीरो टू वन पर्टिकुलर में e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन एक से लेकर के इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब दिक्कत देखना, अगर हम इसकी बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर e की पावर जीरो दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस वन, नीचे आ रहा है e की पावर माइनस जीरो यानी कि e की पावर जीरो दैट इज इक्वल टू वन, ये तो फाइनाइट है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin x अपॉन x ये भी फाइनाइट है, तो कुल मिला और ऊपर वन पर ऑलरेडी फाइनाइट रहेगा, तो कुल मिलाकर के आपका इंटीग्रेंड बाउंडेड बना हुआ है। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा इंटीग्रल कैसा होगा, प्रॉपर होगा। लिखना सेंस या सूचा ऐसे बता देते हैं, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल आपका हो गया प्रॉपर। क्यों हुआ, ये नीचे रीजन दे रहे हैं प्रॉपर। सेंस लिमिट x टेंडिंग टू द जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू द जीरो e टू द पावर माइनस x sin x अपॉन x इज इक्वल टू वन, इसलिए ये आपका प्रॉपर बना रहेगा और ये वाला हिस्सा आपका इम्प्रॉपर बना रहेगा। तो हमको इसको चेक करना है, अगर हम इसे चेक कर पाए किसी तरीके से, ये कन्वर्जेंट तो पूरी से पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो पूरा का पूरा इंटीग्रल आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। चलो इसी को चेक करते हैं, पूरे को इंटीग्रेंट जो आपका दिया गया है इसी को हम फंक्शन f(x) मान लेते हैं। लिखना v चेक ओनली, v चेक ओनली इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू x ना 1 टू इंफिनिटी fx dx बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x sin x अपॉन x dx, सिर्फ इनको चेक करेंगे, यही फंक्शन fx है। लिखना हियर fx इज इक्वल टू, या हम सीधे मॉड fx करते हैं, हियर मॉड fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर माइनस x into sin x upon x is equal to mod of e की पावर माइनस x into mod of sin x upon x, ये और हमको पता है e की पावर mod of e की पावर माइनस x, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1 upon e की पावर x, और हमको पता है e की पावर x का जो ग्राफ होता है e की पावर x का वो ये होता है और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, कुल मिलाकर के ये वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर तैरता है, तो यानी ये थ्रू आउट पॉजिटिव बना रहता है, मॉड लगने पर भी कोई फर्क नहीं बाहर आएगा e की पावर माइनस एक्स। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ साइन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, तो इनटू ऐसे भी लिख देते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स एंड दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू, ये a क्या एक से छोटा, ये a क्या एक से छोटा, तो केवल बचा e टू द पावर माइनस x, ये रहा। और इसी e की पावर माइनस x को हम लोग फंक्शन f(x) मान लेंगे, सॉरी g ऑफ x मान लेंगे, इस e की पावर माइनस x को हम लोग g ऑफ x मान लेते हैं, लेट क्योंकि हमको कहना है f(x) लेस देन आर इक्वल टू g ऑफ x, तो जिससे आपका मॉड f(x) छोटा आया है उसी को हम लोग g ऑफ x मान लेते हैं। और ये जो बातें हो रही हैं ये थ्रू आउट द इंटरवल 1 टू इंफिनिटी हो रही है, तो जोड़ना चाहे ना तो आगे जोड़ देना थ्रू आउट द इंटरवल, यानी या यहां जोड़ देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ द फंक्शन fx लेस देन आर इक्वल टू g ऑफ x है कौन e की पावर माइनस x इन होल इंटरवल एक से लेकर के इंफिनिटी, एक से लेकर इंफिनिटी तक जाने में हमेशा मॉड ऑफ द fx लेस देन आर इक्वल टू बना रहता है g ऑफ x के। ठीक,
कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट इसलिए कंपैरिजन टेस्ट के इस्तेमाल से इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी फंक्शन एफएक्स डीएक्स इज सीजीटी इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी जीएक्स डीएक्स इज सीजीटी। इसलिए अगर वो दूसरा वाला इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डीएक्स वो कन्वर्जेंट हुआ तो एफ एक्स डी ए इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डीएक्स भी कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा। चेक करते हैं नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लिमिट ए की पावर माइनस सिक्स है और ऊपर अपर लिमिट कितनी है 1 टू इंफिनिटी। चल 1 टू x कर देते हैं उसी चीज को लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 से लेकर के x तक e की पावर माइनस x dx। अब मेरे ख्याल से ये हम लोगों से बहुत पहले भी टकरा चुके हैं, हम लोग इसको निपटा चुके हैं। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट के अंदर में माइनस e की पावर माइनस x लिमिट है 1 से लेकर के x तक दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी अपर लिमिट रखी जाए तो माइनस e टू द पावर माइनस x लोअर लिमिट रखी जाए कितनी है 1 तो माइनस माइनस प्लस e और x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन e दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0 लिमिट आती है e जो कि कैसी है फाइनाइट है यानी दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट फाइनाइट। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स डीएक्स इज कन्वर्जेंट एंड हेंस गिवन इंटीग्रल या इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इज dx इज कन्वर्जेंट। इसलिए ये इंटीग्रल भी कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा। नोट कर लो अगले टेस्ट की शुरुआत करते हैं। अबे टेस्ट या सॉरी पहले म्यू टेस्ट ले लेते हैं। हेडिंग डाल देना द म्यू टेस्ट इसमें स्टेटमेंट लिखना लेट एफएक्स बी बाउंडेड लेट फंक्शन एफएक्स बी बाउंडेड लेट फंक्शन एफएक्स बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल एंड इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल ए टू इंफिनिटी in the interval a to infinity agar diya gaya function fx bounded ho integrable ho in the interval a to infinity mein where jahan par a ke bare mein kaha gaya hai where a confirmly greater than 0 yani a ko positive hona chahiye theek let function fx be bounded and integrable in the interval a to infinity where a is greater than 0 likhna line change karke if here exist
इफ देयर इज अ नंबर, इफ देयर इज अ नंबर, अगर हमको यहां पर एक ऐसा नंबर मिल सके म्यू ग्रेटर देन वन, जो कि एक से बड़ा, इफ देयर इज अ नंबर म्यू ग्रेटर देन वन सच दैट, और यह नंबर इस प्रकार हो कि सच दैट जब हम लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी x टू द पावर म्यू और फंक्शन ऑफ x, जो आपको फंक्शन ऑफ x दिया गया है उसमें x टू द पावर म्यू से मल्टीप्लाई कीजिए और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कीजिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट देन, तब ऐसे केस में देन इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन fx dx, इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन fx dx इज कन्वर्जेंट। तब आपको दिया गया इंटीग्रल कैसा होता, कन्वर्जेंट। ध्यान से सुनना, जो आपको इंटीग्रेंट दिया गया है वो आपका बाउंडेड हो, इंटीग्रेबल हो, दिए गए इंटीग्रल, दिए गए इंटरवल a टू इंफिनिटी में, वेयर जहां पर a ग्रेटर देन 0 होगा। इफ देयर इज अ नंबर, अगर यहां पर ऐसा कोई नंबर म्यू आपको खोजने पर मिल जाता है जो इस प्रकार है, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी x की पावर म्यू फंक्शन ऑफ x, ये जो लिमिट है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो आप कह सकते हैं कि दिया गया इंटीग्रल हमेशा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये तो पहली बात आई। दूसरी बात देखें, इफ देयर इज अ नंबर म्यू, इफ देयर इज अ नंबर, इफ देयर इज अ नंबर म्यू लेस देन आर इक्वल टू, लेकिन अगर आपको म्यू ग्रेटर देन 1 की बजाय कैसा मिलता है, लेस देन आर इक्वल टू 1, या तो म्यू इज इक्वल टू 1 मिल जाए या तो लेस देन 1 मिल जाए, सच दैट, और ये इस प्रकार हो, सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी x टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x, ये लिमिट एग्जिस्ट करे और नॉन जीरो रहे, एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो, लिमिट एग्जिस्ट करे और एग्जिस्ट करने के साथ साथ कैसी रहे, नॉन जीरो रहे, एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो, देन तब ऐसे मामलों में इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी आवर फंक्शन fx dx, fx dx इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट, एंड द सेम इज ट्रू, और ठीक यही बात सही होगी, एंड द सेम इज ट्रू, एंड द सेम इज ट्रू, और यही बात सही होगी जब लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी x to the power mu f of x is equal to plus infinity or minus infinity, ये रहा, तब पर भी यही बात सही होगी। यानी अगर आपको number mu ऐसा मिलता है जो कि less than or equal to 1 है, तो आप इस limit को apply कीजिए, अगर limit exist हो और non-zero है, कह दीजिए कि आपका दिया गया integral divergent होगा, लेकिन अगर ये limit plus infinity है या minus infinity, तब पर भी आप कह दीजिए कि आपको दिया गया integral कैसा होगा, divergent होगा। टेस्ट नोट कर लो, न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। म्यू को सिलेक्ट करने का इसमें एक रीजन होता है, म्यू को सिलेक्ट करने का एक जो तरीका होता है वो ये होता है, जैसे अगर हमको फंक्शन इंटीग्रेंड मिला f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग मिला, तो एक होता है डिनोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों में हिस्से में से हम सबसे पहले नीचे से आपको x की जो हाईएस्ट पावर मिल रही है वो ले लीजिए, फिर आप x की हाईएस्ट पावर ऊपर से ले लीजिए, नीचे से मिली हुई x की हाईएस्ट पावर माइनस ऊपर से मिली हुई x की हाईएस्ट पावर, दोनों को घटा लीजिए, जो नंबर आता है उसी नंबर को आप म्यू कह दीजिएगा। फिर याद रखना, आपको जो फंक्शन दिया गया है उसमें नीचे मौजूद x की हाईएस्ट पावर को चुना जाएगा, ऊपर से भी x की हाईएस्ट पावर को चुना जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो आएगा वही म्यू होगा। न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम लिख लेते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी dx
अपॉन एक्स टू द पावर वन अपॉन थ्री वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन टू। ये चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया गया है वन अपॉन एक्स टू द पावर वन अपॉन थ्री विद इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन टू। एक काम करो, पूरे में से एक्स की वन अपॉन टू को बाहर ले लो, तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू द पावर वन अपॉन थ्री इंटू एक्स टू द पावर वन अपॉन टू विद इन ब्रैकेट। यहाँ पर वन बचा, वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स, एक बटे तीन एक बटे दो, यानी कि ये हो गया पांच बटे छ। दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू दी पावर फाइव बाई सिक्स विद इन ब्रैकेट वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स, वन अपॉन अंडर रूट एक्स। नोट कर लो, एक चीज हम लोग सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि जो इंटीग्रेंट हमें दिया गया है वो हमारे दिए गए इंटरवल 1 टू इंफिनिटी में बाउंडेड होना चाहिए। अगर हम चेक करें 1 रखने पर तो अपने को वैल्यू 1 ठीक है जो भी मिलेगी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इंफिनिटी रखें तो इंफिनिटी रखे तो 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, यानी हमारा दिया गया फंक्शन थ्रू आउट 1 टू इंफिनिटी बाउंडेड बना हुआ है। लिख देना क्लियरली। Clearly, f of x is bounded. F of x is bounded in open interval 1 to infinity. ये bounded बना हुआ है। अच्छा, numerator और denominator में highest degree का difference, ऊपर अगर देखें तो degree 0 है और नीचे degree कितनी है 5 बटे 6 है। एक mu is equal to, ठीक है, mu is equal to नीचे से degree 5 बटे 6 और ऊपर से डिग्री कितनी 0, दैट इज इक्वल टू 5 बाय 6। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टू द पावर म्यू फंक्शन fx। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी x टू द पावर म्यू इनटू आवर फंक्शन fx बराबर ये अपने पास आएगा लिमिट x tending to the infinity x की पावर म्यू और म्यू कितना है 5 बटे 6 इनटू 1 अपॉन ये fx करते हैं fx x टू द पावर 5 बाय 6 दिस x टू द पावर 5 बाय 6 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x x की 5 बाय 6 x की 5 बाय 6 कैंसिल आउट हुआ x tending to infinity पर लिमिट आती है 1 बस और ये कैसे रही फाइनाइट फाइनाइट। और टेस्ट में कहा गया है कि अगर आपको ऐसा म्यू एग्जिस्ट करता है, जरा म्यू की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 5 बटे 6 निश्चित तौर पर 1 से कम है, तो अगर ऐसा म्यू एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू म्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है और लिमिट आपकी कैसे होती है फाइनाइट होती है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। इस बात को यहीं पर नीचे लिख देते हैं या इसको यहां पर लगा दें कंफर्मली लेस देन 1 और ये आया फाइनाइट। सो बाय म्यू टेस्ट, सो बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट डिजिट, म्यू टेस्ट से दिया गया इंटीग्रल कैसा निकला डाइवर्जेंट आया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्या लेते हैं, अगली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ
टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की होल पावर थ्री। ये रहा मेन दिक्कत, फिर वही है, आप जब भी कंपैरिजन इंटीग्रल, सॉरी जब भी आप म्यू टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे वाली लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, इसको नॉन जीरो होना चाहिए। हम इसको दो हिस्से में ब्रेक कर देंगे, जीरो से इंफिनिटी, सॉरी जीरो से ए और ए से लेकर के इंफिनिटी, तो नीचे वाला ए कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो। अब हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लिखना सबसे पहले तो इंटीग्रल को ही ब्रेक करते हैं दो हिस्से में। सॉल्यूशन, इसको फिर से रीराइट करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल पावर थ्री प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब। और अगर हम पहले वाले इंटीग्रल पर निगाह डालें, तो पहला इंटीग्रल जरा जीरो रखें, तो जीरो अपॉन वन दैट इज इक्वल टू जीरो, ए रखें प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर बना रहेगा। अब इम्प्रॉपरनेस केवल ये हिस्सा है, तो हम केवल इस हिस्से को चेक करेंगे, ये ऑलरेडी अपने आप इसका नेचर हमको पता है, ये आपका हो गया प्रॉपर, अब ये कैसा रहा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर चेक केवल इसे किया जाएगा, ठीक। बी चेक, बी चेक इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब। फंक्शन एफ एक्स, अगर हम एफ एक्स को ध्यान दें, तो ए से इंफिनिटी, यहां पर ए पॉजिटिव है, यानी एक शर्त तो ये पूरी कर ली है। अब शुरुआत करते हैं म्यू को चेक करने की, चाहे तो एफ एक्स को फिर से रीराइट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रीराइट करने की कोई खास जरूरत नहीं है हम लोगों को। एफ एक्स की बात ही कर ले, यहां पर हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब। चल म्यू को चुनते हैं, म्यू इज इक्वल टू एक्स की हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में पहले चुनेंगे, डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर तीन है और न्यूमरेटर में वन है, तो ये हो गया थ्री माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू एंड कंफर्म कि ग्रेटर देन वन, ये आज की तारीख में ग्रेटर देन वन है। चल चेक करते हैं, नाउ लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू द इंफिनिटी एक्स टू द पावर म्यू इन टू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x tending to the infinity, limit x tending to the infinity x to the power mu, mu का मतलब कितना हो गया 2 और into fx, fx का मतलब ये सामने रहा। अच्छा fx को ध्यान दें, x upon this, अगर हम x को common करें तो पूरे में से x के common आने पर x cube, नीचे ऊपर हुआ x, नीचे x cube, नीचे बचेगा x square, 1 upon x square bracket के अंदर में, x को बाहर करने पर 1 बचा, 1 plus 1 upon x का whole cube, x square cancel, x tending to infinity पर limit आती है 1, that is a finite, this is equal to 1, और ये कैसे है finite। तो mu test के हिसाब से आज की तारीख में mu की value greater than 1 है, इसका मतलब दिया गया integral convergent होगा। So by mu test, ये limit अपनी वन आएगी, सो इसलिए बाय म्यू टेस्ट, सो बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब इज कन्वर्जेंट। दिया गया इंटीग्रल कैसा रहा कन्वर्जेंट। अच्छा जो इम्प्रॉपर का हिस्सा था वो आ गया अपना कन्वर्जेंट, प्रॉपर का हिस्सा ऑलरेडी कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। सो इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब मस्ट बी कन्वर्जेंट, इसलिए ये दिया गया इंटीग्रल भी कैसा होगा कन्वर्जेंट। नोट करने से
ये याद रखना, ये इसलिए कन्वर्जेंट हो रहा है क्योंकि दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम है। अगला लेते हैं, अगला टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल दिया गया है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। ये पार्ट केवल ये लिमिट की शुरुआत हुई है, यहाँ इंटीग्रल जीरो से लेकर के इंफिनिटी, तो पहले इसको नॉन जीरो बनाना है। अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन, देखना सॉल्यूशन लिखा है, फिर से इसको रीराइट करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेकर के कहीं भी जाए, जीरो से लेकर के भी एक्स स्क्वायर डी एक्स, चूंकि ए इस्तेमाल है इसलिए हम लोग बी लिखाए हैं, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी से लेकर के इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब एक चीज गौर, ये इंटीग्रल प्रॉपर है, जीरो रखने पर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज ए की फोर ऊपर से जीरो बना पूरा, बी रखने पर भी प्रॉपर है, तो कुल मिलाकर के ये पहला हिस्सा कैसा हो चुका है प्रॉपर, और ये दूसरा हिस्सा हमारे पास कैसा है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो केवल हमको इसी हिस्से को चेक करना है, लिखते हैं बी चेक ऑन, बी चेक इंटीग्रेशन फ्रॉम बी से लेकर के इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। हम केवल इतने हिस्से को ही चेक करेंगे। हियर एफ एक्स इज इक्वल टू, जो इंटीग्रेंट है उसकी बात करते हैं, इंटीग्रेंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर इसको फिर से रिराइट करें, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन करें, एक्स स्क्वायर को कॉमन करने पर ये हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर फोर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर बना वन वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हुआ, नीचे बचता है एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम देखें तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है टू है, और ऊपर कितनी है जीरो है, तो म्यू इज इक्वल टू टू माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू टू एंड दैट्स द कंफर्मली ग्रेटर देन वन। चल लिमिट अप्लाई करनी रह गई, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू द इंफिनिटी एक्स टू द पावर म्यू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू द इंफिनिटी एक्स टू द पावर म्यू यानी एक्स स्क्वायर इन टू फंक्शन एफ एक्स। देख रहे एफ एक्स हमारे पास ये फाइनल वाला स्टेज वाला ये लिखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट पर लिमिट आई वन दैट इज इक्वल टू फाइनाइट, और म्यू ग्रेटर देन 1 पर इंटीग्रल आपका कैसा रहा कन्वर्जेंट था। सो बाय म्यू टेस्ट, सो बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट है, हमारा जो मेन इंटीग्रल है
ये कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम है, इसलिए ये भी कैसा होगा कन्वर्जेंट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी आपका कैसा है कन्वर्जेंट, नोट कर लीजिए। मोबाइल की बैटरी चली गई है इसलिए इसके न्यू टेस्ट के न्यूमेरिकल को यहाँ पर रोक रहे हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों के ग्रुप में सेंड कर देंगे, लेकिन फिलहाल इस पे इसको रोक रहे हैं। मोबाइल की बैटरी जाने की वजह से ये लेक्चर अभी का यहीं पर रोक रहा है। आज यहाँ सुबह से लाइट नहीं है। फिलहाल बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे।